Assalamu alaikum, this is me, Chef Shahina Shumail. Welcome to our brand new show, Cook with Crispo. Crispo pasta family favorite. Crispo range hai spaghetti, pasta, macaroni, jelly, custard, vermicelli aur soup ki. अगर मैं बात करूं क्रिस्पो की तो क्रिस्पो और मेरा साथ रहेगा आपके साथ पूरा सीज़न और हम यहां पर बनाएंगे बहुत ही झटपट मज़ेदार सी यमी रेसिपीज़ बनाएंगे क्रिस्पो की पास्ता रेंज से और इनकी है डिज़र्ट की रेंज। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं ट्विस्टर अरारबियाटा और साथ साथ हम बना रहे हैं ऑरेंज मूज और हम बना रहे हैं टर्किश सूप। अब हम बना रहे हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी अरारबियाटा बना रहे हैं हम, ठीक है। नॉर्मल हम टाइम की बात करें तो 7 to 10 मिनट्स में है वो हमारा पास्ता बन जाता है, बॉयल हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पास्ता की शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर हमारे पास्ता, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिस्पो का ट्विस्ट पास्ता यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका शेप आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका शेप जो है वो बड़ा है। जब इसका शेप बड़ा है तो हमें इसकी जो है वो पास्ता की जो है वो टाइमिंग, कुकिंग टाइम, बॉयलिंग टाइम इसको हमने देना है थोड़ा सा ज़्यादा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। एक वॉक में हमने जो है वो पानी डालना है, इसके अंदर पानी आपने डालना है एक जग। और जब भी हम पास्ता बॉयल कर रहे होते हैं तो हमें, बहुत सारे लोग ठंडे पानी में जो है वो पास्ता डालते हैं, उनका पास्ता डिज़ास्टर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब इसका सिमरिंग पॉइंट आएगा ना, उस पर आपने इसके अंदर पास्ता डालना है। सिमरिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली मैं बता दूँ, जब आप देखें, एक तो हमारा बॉयलिंग पॉइंट होता है, सबको पता है कि बड़े बड़े से जब बबल्स आ रहे होते हैं तो वो बॉयलिंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिमरिंग पॉइंट वो होता है उससे एक पॉइंट बिफोर, यानी कि जब लाइट से बबल आने इसके अंदर शुरू होते हैं, आप उस वक्त इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने के बाद आप इसके अंदर पास्ता डालेंगे। देखें, अब इसके अंदर ये लाइट से बबल्स आने शुरू हो गए, यानी कि सिमरिंग पॉइंट आना शुरू हो गया, और इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर पास्ता जो है वो इंसर्ट करना है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अब मैं क्रिस्पो का ये ट्विस्ट पास्ता जो है 1 packet ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने इसका पास्ता ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट हमेशा आप अपने टेस्ट के एतबार से इस्तेमाल किया करें। और यहाँ पर मैंने जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से इस पर, इसके अंदर बॉयल करते वक्त थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये आपस में स्टिकी नहीं होगा और बहुत अच्छे से, लेकिन आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स, 2 to 3 drops ऑफ ऑयल आपने इसके अंदर ऐड करना है, लाइक दैट। तो यहाँ पर हमने जो है वो अब पास्ता बॉयल करने रख दिया है। साथ साथ हमने इसकी बनानी है अरारबियाटा सॉस बनानी है, और उसके अंदर हम इस पास्ते को ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपना जो है वो स्टोव को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 cup। थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाता है, और आपको पता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश गार्लिक, फ्रेश चॉप गार्लिक है ये, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम को आपने इसमें मीडियम रखना है ताकि गार्लिक हमारा बर्न ना हो। अच्छा, अगर इस सॉस की मैं बात करूँ ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉस होती है, और इस सॉस से आप बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। डिफरेंट क्रिस्पो के पास्ता के जो शेप्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, आप इसमें मैक्रोनी भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो क्रिस्पो की, आपको पता है कि रेंज है फैमिली फेवरेट के नाम से, जिसमें डिफरेंट स्पेगेटीज वगैरह सारी आ रही हैं, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर इसको हल्का सा गोल्ड होने का इंतज़ार करना है, और ये अब गोल्ड हो गया है। तो साथ साथ मैं यहाँ पर क्रश चिली जो है वो मेरे पास 1/2 teaspoon वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। हल्का सा अब हम इसकी जो क्रश चिली को भी फ्राई करेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। ये देखें कितने मज़े के कलर्स यहाँ पर ब्लेंड हो रहे हैं, और बड़ा मज़े का मुझे बिल्कुल अरोमा आ रहा है। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देते हैं जी। तो अब हमारा पास्ता बॉयल हो गया है, और मैंने स्टोव को कर दिया है ऑफ, और हम करेंगे अब इसको स्ट्रेन। चलें जी, अब हम जा रहे हैं इसको स्ट्रेन करने।
जी, तो ये हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्टली बॉयल हो गया है और ये आप देख सकते हैं। अब हम वापस से क्या करेंगे, स्टोव को ऑन करेंगे और बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें झटपट से ऐड करेंगे। चले अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको जो है ना इस चूल्हे पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये मज़े से जो है आपको मज़ेदार सा दिखे। चलें जी, अब हम इसको ऑन कर दिया है हमने। अब हमने क्या करना है इसमें जो है वो अब बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ साथ मेरे पास मौजूद है इसके अंदर ये है हमारा गार्लिक पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आप गार्लिक यूज़ करें तो साथ साथ आप पाउडर भी यूज़ करा करें। तो ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ये ऐड किया है। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार सा करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अब बारी आ जाती है हमारी बेसिल की, जो ड्राइड बेसिल मेरे पास मौजूद है ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो पास्ता जो है हमारा क्रिस्पो का जो मौजूद है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये देखें आप कितना परफेक्टली बॉयल हुआ है और कितने मज़े से। चलिए जी, अब ये देखा आपने ये बहुत मज़े से हमने ट्विस्टर अरबी आटा पास्ता यहाँ पर बना लिया है। सो दिस इज डन और हमारा पास्ता यहाँ पर हो गया है तैयार। और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, आप देख रहे हैं कुक विद क्रिस्पो। सो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और अब हम बना रहे हैं यहाँ पर, क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं यहाँ पर क्रिस्पो जेली बना रहे हैं। क्रिस्पो जेली बनाए खुशी के हर ओकेजन को मोर फ्लेवर फन। झटपट रेसिपीज़ है इनकी और इनका जो एक आपको भूख लगती है ना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आपको इंतज़ार नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास इंस्टामैक। इसके हैं 2 फ्लेवर, एक है इनका स्पाइसी और एक है इनका क्रीमी, और उससे आप बना सकते हैं झटपट सी रेसिपीज़। कुकिंग का क्विक हैक इंस्टामैक। और यहाँ पर हम बना रहे हैं इनकी जेली, बनाए खुशी के हर ओकेजन को मोर फ्लेवर फन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने वॉक को ऑन करूँगी और अब हम जेली बनाने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऑरेंज मूस, तो उसके लिए मुझे बनानी है ऑरेंज जेली। जेली बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 कप पानी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, हमेशा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारी जेली परफेक्ट नहीं बनती है, समटाइम वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और समटाइम वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। परफेक्ट जेली बनाने के लिए जो है आपको जो भी उसके अंदर दिया गया होता है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं बैग पर, आप उसे अगर एक दफ़ा पढ़ लें। तो जेली मिक्स के लिए हम यहाँ पर जो है वो ले रहे हैं 2 कप पानी, यानी कि हमें 2 कप पानी लेना है, ना इससे ज़्यादा पानी हो ना इससे कम हो। इसके अंदर जेली मिक्स को ऐड करेंगे ग्रेजुअली आप इसके अंदर, सारा का सारा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आप ले लें कोई स्पैचुला ले लें, उसकी मदद से आप इसे हल करें इसके अंदर और 2 से 3 मिनट के अंदर ये झटपट से हमारी जो है वो जेली तैयार हो जाती है। और बस इसको हम मिक्स करेंगे, ये देखें अब हमने इसको देखें बहुत अच्छे से हमने जेली को बना लिया है। और बनाने के बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है, और इसका कलर देख सकते हैं, इसकी खुशबू मुझे अभी से फील हो रही है, मज़ेदार सा ऑरेंज फ्लेवर का जो अरोमा है वो मेरे जो है वो आप समझें कि बिल्कुल मेरे कितने माउथ वाटरिंग कोई चीज़ होती है, तो माउथ वाटरिंग इनके डेजर्ट्स हैं। और यहाँ पर देखें हमने इसको निकाल लिया, अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में ठंडा करने, लेकिन हम बना रहे हैं ऑरेंज मूज और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं उसके इंग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम व्हिप क्रीम मौजूद है जिसको मैंने पहले से व्हिप करके रखा है। साथ साथ मेरे पास जो है वो प्लेन आप कोई
कोई भी केक ले लें, आप खुद बना लें घर में, या आप जो केक स्लाइसेस वाला प्लेन केक होता है जो बाज़ार में बेकरीज में मिल जाता है, आप वो ले लें। उसको आप इस तरह से फाइनली जो है वो आप या तो इसको चंक्स कर लें, इसके यहाँ पर इसके चंक्स मौजूद हैं। ऑरेंजेस का बहुत अच्छा मौसम है और फ्रेश चीज़ें हमेशा जब भी आप अपनी रेसिपी बना रहे होते हैं कोशिश करा करें कि फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद ऑरेंज हैं जिसको मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी और ये देखें जेली कितनी क्विकली हमारी, अब ऐसे हम ठंडा करने रखेंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे ऑरेंज मूस। सर्व किस में करेंगे, वो बाउल्स हमें रिक्वायर्ड हैं या वो ग्लासेस हमें रिक्वायर हैं, तो मैं लेकर आती हूँ ऑरेंज मूस को सर्व करने के ग्लासेस। अच्छा, ये हमारे पास ग्लासेस मौजूद हैं, आप हम इसमें सर्व करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें लेयरिंग करनी होगी। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी हम केक की करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास केक के चंक्स हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी हम एक लेयर सी बना लेंगे। अच्छा, एक लेयर हमने इसकी कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑरेंज चंक्स जो है ना हमारे पास वो थोड़े से हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि हम ऊपर टॉपिंग में ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हाफ क्रीम को ना सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे, कर लेंगे, ठीक है। और हम साथ साथ क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे ये हमारी ऑरेंज जेली जो हमने बना के रखी हुई थी क्रिस्पो की, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो बीटर की मदद से कर लें, चाहे तो आप हैंड मिक्स ले लें, तो मैं हैंड मिक्स की मदद से इसके अंदर जेली मिक्स कर रही हूँ। ये हम मिक्स कर रहे हैं, चलिए जी, अब देखेंगे मैंने जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है वो क्रिस्पो जेली ऑरेंज फ्लेवर की वो मिक्स कर दी है। अब हम इसके अंदर जो है वो ये मूज ऐड करेंगे, ठीक है। जस्ट हम अभी इसको इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये लुक लाइक का आइसक्रीम जो होता है ना, बिल्कुल इसका वो टेक्सचर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो क्रीम जो वाइट वाली सेपरेट करके रखी हुई थी, अब हम वो ले लेंगे। और अब हम सीज़र लेंगे, नीचे से ये जो हिस्सा होता है इसको आप कट कर लें, ये हमने इसको कट कर लिया। और अब हम इसे अब इसमें हम फ्रेश ऑरेंज जो हमारे पास मौजूद है, ये क्योंकि ये बेसिकली ऑरेंज मूज है, तो हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे और हम ऊपर से इस पर जेली ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमने इसमें ऑरेंज जो है वो चंक रख दिया है और अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी जेली ऊपर से और हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जेली मौजूद है क्रिस्पो की ऑरेंज जेली, और हम इसे चले जी, यहाँ पर तैयार हो गया हमारा ऑरेंज मूस। सो यहाँ पर टाइम हो गया है मजीद एक और छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं कुक विद क्रिस्पो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, आप देख रहे हैं कुक विद क्रिस्पो और यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार सा टर्किश सूप। टर्किश सूप बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिस्पो। क्रिस्पो रेंज है स्पेगेटी, पास्ता, मैक्रोनी, जेली, कस्टर्ड सूप और वर्मेसली की। तो यहाँ पर आज हम हॉट एंड सॉर सूप से यहाँ पर हम बना रहे हैं टर्किश सूप। क्रिस्पो का इंस्टेंट सूप है हॉट एंड सॉर, और आपको पता है कि विंटर्स हैं तो सूप की जो क्रेविंग होती है वो इस वक्त पीक पर होती है, और ज़रूर आपने इनका ये ट्राई करना है।
है, बहुत ही मज़ेदार सा इनका सूप है, ना कि सिर्फ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये प्राइस में भी बहुत रिजनेबल है और इंस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वॉक ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी बॉयल करने हम रख देंगे, साथ ही हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी हम इसमें बॉयल करेंगे। इस पानी में हम ये क्रिस्पो सूप का जो इंस्टेंट साशे है इसको अच्छे से हम स्टेयर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको डिसॉल्व करना है, साथ साथ लेंगे हम एक अदद वॉक लेंगे। चिली ऑयल है हमारे पास 2 टेबल स्पून, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल आप फ्लेवर के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं, ये एडिशनल है। साथ साथ हमारे पास जो है वो फ्रेश चॉप गार्लिक मौजूद है यहाँ पर, 2 क्लोव्स ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से हमने हल्का सा हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है बस। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट। हमेशा स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट अलग जाता है और ग्रीन पार्ट अलग जाता है। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर कैरेट ऐड करेंगे। साथ साथ हमारे पास कैप्सिकम है, वो हमने ऐड करनी है। ब्लैक पेपर पाउडर वो हम ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अराउंड मैंने डाला है। क्रश चिली अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सा स्पाइसी थोड़ा सा पसंद है। अदरवाइज़ हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने पानी को गर्म किया था, बॉयल किया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इससे हमारा सूप क्विक बन जाएगा। आप चाहें तो इस तरह भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा गर्म करके डाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है इसके अंदर ऐड करेंगे ये हमारा क्रिस्पो सूप जो इंस्टेंट है हॉट एंड सॉल्ट का, जो हमने डिसॉल्व करके रखा हुआ है, ये हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे और स्टेयर करते जाएंगे कंटिन्यूसली, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, साथ साथ हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे कैबेज, क्योंकि कैबेज जो होती है वो लाइट होती है, तो हम इसको पहले से डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी, इसलिए हम इसे बाद में ऐड करते हैं। सो अब हम इसमें डालेंगे क्रिस्पो एग नूडल्स, और ये डायरेक्ट जो है ये हमने इसके अंदर डाल दिए। देखा आपने कितना इंस्टेंट और कितना झटपट से हमने ये सूप बनाया है, ये इसी के अंदर बॉयल हो जाएंगी। इसको आपने मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाना है, और साथ साथ हम इसमें डालेंगे अंडा। और ये देखें आप इस तरह से चमचा चलाते जाएं, ये देखें बस, ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया है, टर्किश सूप मज़ेदार सा। आई होप आपको आज की तीनों रेसिपीज़ बहुत ही पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। सो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड कुक विद क्रिस्पो में मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। सो अल्लाह हाफिज़। अरेबियाता पास्ता अज्जा, ट्विस्टर क्रिस्पो पास्ता 1 पैकेट, टोमेटो प्यूरी 250 ग्राम, बेजिल चंद अदद, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, ताज़ा लहसुन 2 जवे, तेल 1/4 कप, नमक हसब जायका। तरकीब, एक बर्तन में पानी गर्म करके पास्ता उबालें और उन पर तेल लगा कर रखें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें बेजल, टमाटो प्यूरी, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल करें। अब इसमें उबला पास्ता डाल के मिक्स कर लें, आखिर में मिक्स्ड हर्ब्स डालकर चीज़ के साथ गार्निश कर दें। Thank you.
ऑरेंज मूस अज्जा, फ्रेश ऑरेंज 2 अदद, क्रिस्पो ऑरेंज जेली 2 पैकेट, प्लेन केक 4 स्लाइसेस, फ्रेश क्रीम 500 ग्राम। तरकीब, ऑरेंज और प्लेन केक को चॉप कर लें, ऑरेंज जेली बनाकर रख दें। अब क्रीम में जेली का आधा पैकेट डालकर व्हिप करें, फिर ग्लास में जेली की लेयर दें, उसके बाद केक की लेयर लगाएं, आखिर में फ्रेश ऑरेंज और व्हिप क्रीम की लेयर दें, आखिर में जेली और ऑरेंज से गार्निश कर दें। टर्किश सूप अज्जा, क्रिस्पो हॉट एंड सार सूप 1 पैकेट, क्रिस्पो नूडल्स 1 पैकेट, गाजर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, बंद गोभी 1 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, चिकन 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, हरी प्याज 20 ग्राम। तरकीब, चिली ऑयल गर्म करके इसमें लहसुन के जवे और चिकन डाल के फ्राई कर लें, फिर सब्जियाँ शामिल कर दें। अब 2.5 गिलास पानी मिलाकर उबाल दें, साथ ही क्रिस्पो हॉट एंड सार सूप का साशे 1 गिलास पानी में घोल कर डालें, फिर क्रिस्पो नूडल्स शामिल करके 10 मिनट पकाएं और अंडा फेंट कर डाल दें। अब इसे मज़ीद 2 मिनट पका लें, आखिर में हरी प्याज डाल के गार्निश कर लें।